बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर को साफ़ सुथरा रखना सभी चाहते हैं, लेकिन जब बारी वॉशरूम की आती है, उसकी क्लीनिंग की आती है, तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। बिकॉज अगर कोई मेड वगैरह काम करती है तो वो इतना सिंसियर होकर काम नहीं करती। तो आज मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊँगी जिसके साथ जब हम अपने बाथरूम को क्लीन करेंगे तो हमारा बाथरूम बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। वॉशरूम क्लीन करने के लिए मैं कौन सा क्लीनर बनाऊंगी जो कि टाइल्स को, कमोड को, टैप, सब चीज़ें साफ़ कर लेगा। बहुत ही आसान है, ऐसी चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं उसको ही मैं यूज़ करूंगी और हर चीज़ आपको बिल्कुल नए की तरह चमका के दिखाऊंगी। तो प्यारी बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सी भी आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, मैं वेट करूँगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हम प्यारी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं जिससे हमारा वॉशरूम बिल्कुल नया जैसे क्लीन हो जाएगा। तो किसी भी बाउल में सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ले लिया था बेकिंग सोडा। इसकी जगह पे आप इनो भी ले सकते हैं, वर्क दोनों सेम करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लीनिंग के बिल्कुल सीक्रेट सही वाले दे रही हूँ तो इसलिए मैं इसका अल्टर भी बता रही हूँ। काला तेल तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऐड कर लिया था, ये हमेशा मेरे घर में मौजूद होता है क्लीनिंग के हवाले से। और अब हार्पिक इसमें डालेंगे, वो भी तकरीबन आप 2 चम्मच के बराबर ही यूज़ कर लें, क्योंकि वॉशरूम की नौइयत क्या है वो आप बेहतर ही जानते हैं, क्योंकि इसका ये जो क्लीनर है हमें काफ़ी मकदार में चाहिए। और तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ही इसमें मैंने ब्लीच, जिसे हम कपड़े धोते हैं, वो मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा आपने फेस पीछे रखना है, एकदम रिएक्शन होता है तो ये सांस में जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने डाला तो कितना स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन हो रहा है, और जब हम अपने पूरी टाइल्स पे, टैप, कमोड वगैरह पे लगाएंगे तो यकीन करें इसका रिज़ल्ट अमेजिंग, आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप हालत दे सकते हैं वॉश बेसन की, या सिंक तो खैर नहीं है, सिंक तो किचन का होता है। खैर यहाँ पर आप टाइल्स की हालत देखें, बिल्कुल हर चीज़ इतनी कोई गंदी हुई हुई है ना। तो मैं वेट कर रही थी कि जब मैं इसको क्लीन करूंगी और दीवारें आप देखें, पानी आके ना बिल्कुल खारे पानी की वजह से किस तरह वाइट हुई पड़ी हैं ये, और कोने बहुत काले हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये मिक्सचर किसी भी ब्रश के साथ हम पूरा का पूरा अप्लाई कर देंगे, पूरी जगहों पे, पूरी टाइल्स पे, नीचे फर्श पे, कमोड पे, और साथ ही वॉश बेसन पे। उसके बाद ये जब हम अच्छे से लगा देंगे ना, हम आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद हमने एक और काम करना है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो लाजमी ही पूरी देखनी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप जो था ना वो क्या था। अच्छा, ये भी आप नोट कीजिए कि जो कोने होते हैं ना बाथरूम के साइडें, वहाँ पे काई जमा होती है, तो आपने कोई जगह नहीं छोड़नी, ये मिक्सचर अच्छे से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आधा घंटा आपने वॉशरूम को बंद कर देना है, यूज़ नहीं करना, बच्चों को नहीं जाने देना। अच्छा, जब आधा घंटा गुजर जाएगा ना, फिर अगला स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो जी जनाब, आधा घंटा गुजर चुका था। ठीक आधे घंटे के बाद मैंने सारा मिक्सचर जो दीवारों पर, कमोड पे, वॉश बेसिन पे लगाया था, मैंने खाली पानी से वॉश कर दिया था। उसके बाद मैंने जस्ट सर्फ वाला पानी लिया, तकरीबन 2 जो मैंने ये जग उठाए हुए ना, 2 जग भर के बनाया था, और पूरा ऑल ओवर, चाहे वो दीवारें हों, चाहे नीचे फर्श हो, चाहे ये मेरे पास वाइपर हो था, और इसी तरह जो बाथरूम वाली बाल्टी होती है, इसी मिक्सचर को जस्ट सर्फ वाले पानी से मैंने अच्छे से अप्लाई करके, ये लोहे वाला स्क्रबर था वो मैंने रगड़ लिया था। और उसके बाद जब मैं वॉश करूँगी ना, रिज़ल्ट आप देख के हैरान हो जाएंगे। बाल्टी को भी लाजमी वॉश किया करें, क्योंकि ये भी हमारे वॉशरूम का ही हिस्सा है, और कभी नहाने के लिए जैसे हम बाल्टी यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ मैली या इस तरह से बुरी कंडीशन में जब होती है तो बिल्कुल यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, हमेशा नीट घर अच्छा लगता है। जब आपका वॉशरूम क्लीन होता है तो आपका ही नाम होता है कि इसको क्लीन करने वाली या मैनेज करने वाली आप ही हैं। ज़ाहिर अगर आपकी मेड अच्छा काम करेगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आप करवा सकती हैं सारा काम। अच्छा, ये सर्फ वाला पानी मैंने सारा का सारा निकाल दिया था। उसके बाद ये देखिए, मैं टैप धो रही हूँ, चमक आई थिंक आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, और घर वाले भी बहुत खुश होते हैं जब आपका घर इतना नीट हो। इसी तरह आप अपनी किसी भी जगह को, जहाँ पे टाइल्स हो, यानी कि जिस तरह किचन में हो गई, तो आप इसी मिक्सचर से क्लीन कर सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है, वहाँ की चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि वॉशरूम की जो स्क्रबर हो गया और ब्रश, यह सब कुछ यहाँ की अलग है। तो वॉश बेसिन की भी कंडीशन आप देख सकती हैं, टैप की भी देख सकती हैं, जहाँ जहाँ काई जमा थी टोटली ख़त्म हो गई है, जो भी दाग थे, निशाना थे। और ये बाल्टी भी मैंने उसी मिक्सचर से धो ली थी। तो देखें, मेरा बाथरूम माशाल्लाह से बहुत चमक रहा है, और मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना। और यकीन करें,
खुशी का जो कहते हैं ना, उसका हमें सिला तब मिलता है जब आगे से हमें कोई अच्छा रिस्पांस मिले। तो आपके जस्ट लाइक करने से आपका क्या जाता है, यकीन करें बहुत मेहनत होती है। मेरे 6 बच्चे हैं, उसके साथ साथ मुझे अपना चैनल भी चलाना होता है। कोशिश करती हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूँ, तो जस्ट आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट होती है। तो आई होप आज आप मुझे ज़रूर लाइक करेंगे और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे कि मेरी मेहनत का मुझे सिला आज ही मिल जाए। तो यहाँ पे देखें, वॉशरूम क्लीन हो चुका है, माशाल्लाह से ऑल ओवर चमक रहा है। अभी मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि हर टाइम क्या चमकाती रहती हो। बस मैंने कहा मेरी तो आदत ही हो गई है, कभी किस कोने को पकड़ लिया तो कभी किस कोने को पकड़ लिया। खैर, बाथरूम यकीनन हम ही यूज़ करते हैं, अगर हमारा बाथरूम क्लीन होगा, नीट होगा तो हमें ही अच्छा लगेगा। तो अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, हस्बैंड को भी पसंद आ गया। बात तो सिर्फ आप लोगों की है, आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। और देखिए, मैंने रिक्वेस्ट की है, देखते हैं आप लोगों का मुझे क्या जवाब मिलता है। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।